जो केमिस्ट्री है बेसिक, इसमें फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है। और इसमें सुना है कि जो केमिस्ट्री के लोग होते हैं वो प्यार भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, उनके पास फार्मूलाज होते हैं प्यार करने के। ये किस हद तक सच है? केमिस्ट्री मेरी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, केमिस्ट्री मेरी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ज रखती है। सिस्टमेटिक चार्ज मतलब पीरियडिक टेबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और मेरे यूट्यूब चैनल नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में अपने नाम का लोहा मनवाया हुआ है। एक खूबसूरत और होनहार टीचर हैं, हार्ड वर्कर टीचर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक हक नवाज साहब, जो कि पंजाब कॉलेज जलालपुर पीरवाला में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री हैं और एक ग्रेस एकेडमी के जो है ना प्रिंसिपल भी हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसे गुजर रहे हैं सर शब रोज़ आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है। सही माशाल्लाह। सर कुछ बताएंगे, आपने अपनी तालीम का सिलसिला कहाँ से कैसे स्टार्ट किया? मैंने 1998 में क्लास स्टार्ट की थी स्टडी करना, ठीक है। फिर 2009 में मैंने मैट्रिक है, फिर 2015 में मेरी मास्टर डिग्री क्लियर हुई और मैंने मास्टर डिग्री जो है वो भोलपुर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। सही माशाल्लाह। वहाँ पे माशाल्लाह केमिस्ट्री की वो रैंकिंग भी अच्छी है उस यूनिवर्सिटी की, तो टीचर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे हमारे, तो इसी हिसाब से फिर मैंने केमिस्ट्री की डिग्री वहाँ से की। अच्छा, केमिस्ट्री की फील्ड ज्वाइन करने का बेसिक क्या मकसद था? केमिस्ट्री का ना डेली लाइफ में देखें तो बहुत ज़्यादा रोल है। फॉर एग्जाम्पल देख लें, जितना भी ये पेस्टिसाइड्स होती हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जितनी, तो तमाम में ना इसका रोल है, डेली लाइफ में इसका ज़्यादा रोल है। और ये सब्जेक्ट भी वैसे आजकल के दौर में बड़ा अच्छा माना जाता है, इसकी डिमांड होती है, तो इसलिए हर बंदे की ट्राई है कि फिर उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसका फायदा भी हुआ। सही माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी सोच है सर आपकी। अच्छा सर, एक पुराने टीचर हैं आप, काफ़ी अच्छे से टीचिंग के जो है ना फील्ड आपने ज्वाइन कर रखी है, तो आपके मुताबिक अपनी पर्सनल राय से आप किस तरह बताएंगे कि एक केमिस्ट्री के टीचर को किस तरह होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का उसको पढ़ाने का तरीकाकार होना चाहिए? बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, मैं तो ये कहूँगा कि जो जितने भी टीचर्स हैं ना बाकी सब्जेक्ट के भी, तो टीचर को ना बच्चों के साथ ज्यादा फ्रैंक भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी एक लिमिट होती है एक टीचर की। अगर टीचर उस लिमिट को क्रॉस करता है, मतलब बच्चों के हिसाब से गपशप लगाता है या फिर जिस तरह दोस्तें वगैरह कर लेता है, तो उस फील्ड में ना फिर वो बच्चा ना वो टीचर को फिर वो दोस्त समझता है, फिर वो उस हिसाब से फिर टीचर अपना जो इमेज है वो डाउन कर बैठता है, फिर वो टीचर उस बच्चे से अपना वो काम नहीं ले सकता। ठीक है। अगर टीचर अगर प्रोफेशनल है, मतलब बच्चों से गपशप भी करे, उसके मुताबिक उनको पढ़ाए, कंसेप्चुअल स्टडी दे, फिर उसके मुताबिक वो उसका जो वर्क है वो भी वापस ले, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो जो टीचर है एक अच्छा टीचर बन सकता है पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि दोस्त भी जरूर है बच्चा, लेकिन उसको इतना भी देखें कि वो बच्चा आपको काम भी दे, इतना ज्यादा फ्रैंक्स नहीं होनी चाहिए बच्चे के साथ, तो इसमें बच्चा डेवलप होकर उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। सही माशाल्लाह। तो ये तरीका अच्छा होता है वैसे टीचर, आपके मुताबिक इस तरह का एक जो टीचर हो वो बेहतर रहेगा? हाँ, बेहतर रहता है कि वो प्रोफेशनल हो, मेन जो चीज़ होती है। सही। अच्छा सर, आप पंजाब कॉलेज जलालपुर पीरवाला में केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, तो आपके पास वहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना हर सब्जेक्ट के, उसमें ना जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसमें मैं बात करूंगा, कि वहाँ पे जो बाकी टीचर्स होते हैं ना, तो उनको भी देखना होता है कि जितने भी सेक्शन होते हैं एक कॉलेज के अंदर, तमाम को साथ लेके चलना होता है, उनका जो सिलेबस होता है बाकी टीचर्स का, उनके टेस्टिंग सिस्टम होता है, उनका जो रिजल्ट होता है तमाम टीचर्स के साथ डिस्कस करना होता है, और अगर किसी जगह पे किसी टीचर में कमी आ रही है तो उसको उसके मुताबिक बताते हैं कि इस तरह लेके चलना है इस क्लास को, ताकि सब बच्चे जो है ना वो इक्वली चले हमारे, और खासतौर पर जो हमारे टॉपर बच्चे होते हैं उनको फुल फोकस करते हैं, मतलब उनको इस हिसाब से लेक्चर डिलीवर करते हैं कि उनके जो है एक तो कंसेप्चुअल कंसेप्ट सारे मुकम्मल हों, ताकि वो बच्चा अगर आगे मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसको आगे किसी किस्म का मसला ना हो, ताकि वो जो एंट्री टेस्ट होता है अगर उसका अगर उसको सिलेबस मिल जाए तो वो उसको कम्प्लीट कर सके। सही माशाल्लाह। मीन के जो भी टीचर्स होते हैं ना, उसकी क्लास का कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे भी आप डिस्कस करते होंगे कि किस तरह इसको लेके चलना है? बिल्कुल, उससे तो वो रिजल्ट क्योंकि हमारे सामने आ जाता है, तो फिर उस टीचर के साथ मीटिंग हम कर लेते हैं कॉलेज के अंदर ही, तो वो बता देते हैं कि इस तरह लेके चलना है इस क्लास को, तो वो डिस्कशन हो जाती है, वो इस हिसाब से जो हेड होता है डिपार्टमेंट का हर सब्जेक्ट में यही काम करता है। अच्छा सर, आप जलालपुर पीरवाला में ग्रेस अकेडमी के प्रिंसिपल हैं,
माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा नाम सुना है आपके अकेडमी का, तो आप अकेडमी में बच्चों को कौन सी तालीम देते हैं? आपके पास जो है ना गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, तो कहाँ तक तालीम देते हैं? और बच्चों को पेपर जो एग्ज़ाम होते हैं बेसिक, उसकी तैयारी के लिए आप कैसे उनको लेके चलते हैं, कैसे उनका दूसरा सेशन स्टार्ट है? तो देखिए ये पहला जो सेशन हमारा गुजारा है ना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा शेड्यूल चलाया था हमने लास्ट दिनों में, कि 120 बच्चा था हमारे पास एफएससी का, तो अच्छा एक शेड्यूल चलाया था उसमें ना। बच्चों ने भी कहा था कि वाकई हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, मतलब वो बच्चे जो मतलब पूरा साल कॉलेज में पढ़ते हैं, लोकल कॉलेज हैं या गवर्नमेंट में हैं, तो वो ना उधर ज्यादातर उनकी तैयारी नहीं होती, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं जिस तरह बिग सीरीज में होता है। ठीक है, तो लास्ट 2 या 3 मंथ रहते हैं जिस हिसाब से तो बच्चा आ जाता है, फिर वो शेड्यूल को फॉलो करके ना जो हमारा शेड्यूल होता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे मैक्सिमम जो पेपर टेस्ट बनने होते हैं हर टीचर के, तो वो मेन टेस्ट होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन हम ऐड करते हैं तो सारे बोर्ड लेवल के ही होते हैं। अगर वो बच्चा सही तरह से वो क्वेश्चन तैयार कर ले और उनका टेस्ट दे दे, तो बच्चे को ना जो पेपर में काफी हेल्प मिलती है इस हिसाब से, तो इस हिसाब से हम ये सिस्टम चला रहे हैं टेस्ट शेड्यूल का। दूसरा, जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं इस अकेडमी के, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब एक एक जो टीचर है ना उसका कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, ताकि बच्चों को क्वालिटी के लेक्चर मिले और ताकि बच्चा उनको सही तरह से समझ के फिर अपना काम जारी रखे। तो सारे कॉलेजेस के ही टीचर हैं? तकरीबन सारे कॉलेजेस के ही हैं, जो हेड एंड डिपार्टमेंट के तकरीबन वही टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो आपकी एक सोशल लाइफ हो गई, कॉलेज उसके बाद अकेडमी, सारा दिन ऐसे मसरूफियत में गुजरता हुआ, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर कभी टाइम मिल भी जाता है तो पर्सनल लाइफ में आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं? व्हाट इज योर हॉबी? तो पर्सनल लाइफ में देखें, एक तो सुबह से लेकर शाम तक तो टीचिंग ही होती है हमारी, तो जब हमें टाइम मिल भी जाता है तो बाज़ अवक़ात आजकल जो मैं करता हूँ तो वो डिफरेंट बुक्स पढ़ी है मेरे पास रिलेटेड टू केमिस्ट्री, तो वो हाई लेवल की देखते हैं कि उसमें, ताकि बच्चों को उसके हिसाब से हम फायदा दे सकें। मतलब एक बुक है हमारे पास मैट्रिक की है, फिर एफएससी की, फिर एफएससी को पढ़ाने के लिए सिर्फ लाजमी नहीं होता कि हम एफएससी वाली बुक की स्टडी करके उसको पढ़ाएं, फिर उसमें ये लाजमी होता है कि बीएससी लेवल की बुक या फिर एमएससी लेवल की बुक को जब हम स्टडी करेंगे फिर हम बच्चे को एफएससी लेवल के मुताबिक सही तरह पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो बुक्स पढ़ी हैं तो उनको मैं स्टडी करता रहता हूँ अक्सर जैसे फ्री होता हूँ। अच्छा, उसकी बुक्स मीन क्या आपकी कोई इस तरह की सोशल एक्टिविटी से हटके कोई वे नहीं है कि यार कोई पोइट्री वगैरह का शौक रखते हो या कोई गाने वगैरह कोई क्लासिक? तो देखिए पोइट्री ना मैंने केमिस्ट्री को बनाया हुआ है सिंपल वे में, तो इसमें भी सारी पोइट्री होती है सारी। आपने यहाँ जो है ना जो जनरल पोइट्री है दिल वाली, उसको आपने केमिस्ट्री में पेंट किया हुआ है। चलो इसी बात से याद आया सर, ये जो केमिस्ट्री है जैसे कितने फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है, और इसमें सुना है कि जो केमिस्ट्री के लोग होते हैं वो माशाल्लाह से प्यार भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं, उनके पास फार्मूलाज होते हैं प्यार करने के, ये किस हद तक सच है? तो ये मैं तो बड़ा अजीब समझता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि जो केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं ना, जो हमारे टीचर्स भी हैं या हम जिनको मिलते हैं हमारे दोस्त भी हैं काफी सारे, तो अक्सर बच्चे तो कहते हैं कि केमिस्ट्री के टीचर ना काफी रूड होते हैं, मतलब बिहेव ठीक नहीं होता इस हिसाब से, तो ये अजीब टाइप है। लेकिन बल्कि इस तरह होना चाहिए कि ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है ना ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल वे में हम इसको डिस्कस करते हैं। बाकी फार्मूलाज होते जरूर हैं, लेकिन वो आप जिस लेवल में लेके जाएंगे वो उस लेवल में चले जाते हैं। फार्मूलाज होते जरूर हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मीन के ये जो फार्मूलाज होते हैं ना सर, ये आप बच्चों को भी उम्मीद रखते हैं कि वो इस तरह के फार्मूलाज यूज करें या ना करें, ये जो नई देखें वो वाले? देखें जब बच्चा स्टडी कर रहा होता है ना, जब केमिस्ट्री पढ़ रहा होता है, तो अक्सर मैं बॉयज में जो फार्मूले बताता हूँ वो डिफरेंट होते हैं, और गर्ल्स के जो फार्मूले बताता हूँ ना तैयार करने के ट्रिक्स वगैरह होती हैं जिस हिसाब से, वो उनके डिफरेंट होते हैं, ताकि जो क्लास जिस हिसाब से चल रही है ना वो उस हिसाब से चले। यानी गर्ल्स और बॉयज में ये सेपरेशन जरूर होती है फार्मूलाज, बॉयज के जो फार्मूलाज है उनके उन पे जजते हैं वो उस हिसाब से। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अच्छा सर, केमिस्ट्री को पाकिस्तान में एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट माना जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे खुद की भी केमिस्ट्री जो है ना वीक रही है, तो आप इसको किस तरह से हमें बताएंगे कि ये वाकई क्या ये सच है? देखें या बच्चों को इसको तैयार करने के लिए किस तरह से हेल्प करेंगे आप? देखें कोई भी सब्जेक्ट है ना, चाहे वो बायो है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, कोई भी है, तो ये मुश्किल नहीं होता। बस फर्क इतना होता है, मैं ये समझता हूँ कि जिस सब्जेक्ट का टीचर अगर अच्छा मिल गया ना, वो पढ़ाने वाला है, वो कंसेप्चुअल है, वो कंसेप्चुअल स्टडी कराता है, तो वो सब्जेक्ट बच्चे के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ये लाजमी नहीं होता कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ये बात मैं इस पे एग्री नहीं करूंगा।
क्योंकि जो टीचर जिस लेवल का पढ़ा रहा है अगर वो बच्चे के साथ उतना गपशप भी करता है फिर उस लेवल के मुताबिक डिस्कस करता है पढ़ाता है तो वो सब्जेक्ट उस बच्चे के लिए उतना ज्यादा ईजी होता है। तो आपको देख लें, मैं पीजीसी में पढ़ा रहा हूँ पंजाब कॉलेज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ज्वाइन किया है आज तक जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं उसमें तो बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 85 में से 85 नंबर लिए हैं, पूरे पूरे नंबर हर साल आ रहे हैं, यानी कोई साल हमारा मिस नहीं हुआ कि जिसमें बच्चे ने पूरे नंबर ना लिए। तो बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, फिर आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है टीचर, हाँ टीचर के ऊपर, अगर टीचर ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट ईजी हो जाता है बच्चे के। सही माशाल्लाह। सर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे उनके नेक्स्ट मुस्तकबिल के हवाले से, किस तरह की राय देना चाहेंगे कि वो किस टाइप पे चलें? यही है कि बच्चे जो है ना अक्सर जो हमारा बैकवर्ड इलाका है तो बच्चे ना जब हमारी क्लासेस होती हैं फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की तो खासतौर पे मैट्रिक के पेपर जैसे हो जाते हैं बच्चा ना हमारा इस इलाके का घर बैठ जाता है तो वो फिर जाता है जब रिजल्ट है उसके बाद फिर जाके स्टडी करता है। उस टाइम जो हम है ना तकरीबन हाफ सिलेबस पढ़ा चुके होते हैं तो बच्चे कोशिश करें कि जैसे वो मैट्रिक के पेपर हो गए हैं वो जल्दी से समर कैंप ज्वाइन करें। समर कैंप ज्वाइन करने का फायदा उनको ये मिलता है कि उनको क्वालिटी का पता चल जाता है कि ब्रांड क्या चीज होती है और लोकल क्या चीजें होती हैं, मतलब किस तरह पढ़ा रहे होते हैं ब्रांड में और लोकल में, ये फर्क वाजे कर लेते हैं बच्चे। तो फिर बच्चा ना अपना फैसला खुद करता है तो उसमें बच्चा टाइम भी जाया नहीं करेगा, वो काफी सारे चैप्टर पढ़ लेता है, सिलेबस कवर कर लेता है। तो फिर सिलेबस जैसे कवर हो जाता है फिर वो बच्चा उसके मुताबिक जो है ना चलना स्टार्ट, एक रेगुलर उसकी रूटीन बन जाती है। इस लिहाज से बच्चा जो है ना अगर एफएससी में एक अच्छे मेरिट बना लेता है तो उसका फ्यूचर बन जाता है, और ये एफएससी जो है ये मेन डिग्री होती है बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो बच्चे को ना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, उसको फिर प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक, फर्स्ट टाइम अगर कॉलेज है तो सेकेंड टाइम फिर अगर उसको जरूरत है तो वो अकेडमी ज्वाइन करे ताकि अपना टाइम वो सिक्योर कर सके। सही माशाल्लाह। जितना दिन आप सुन रहे हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फकनवाज साहब, माशाल्लाह से बहुत ही हार्ड वर्कर टीचर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और उम्मीद करता हूँ आपको भी इसी तरह ही ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें इसी प्रोग्राम के साथ दीजिए इजाज़त, के लिए अल्लाह हाफिज़।